हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जो बहुत टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। केवल आज हम आलू और आटा से बना रहे हैं, जिस आटा से आप रोटी बनाते थे उसी से आज हम बना रहे हैं नाश्ता। ये हम मैदा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नाश्ता बहुत चटपटा बनेगा। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। जिसके लिए हमने आलू लिए, हमने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। उन्हें उबाल करके छील करके रख लिया है। यहाँ पर कुछ मसाले लिए थे। आलू को हम मैश कर देंगे अच्छे से, इसमें किसी प्रकार की गांठ ना बचे। ये नाश्ता आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को सुबह के समय स्कूल के लिए भी बना सकते हैं। आपके बच्चे बहुत एंजॉय से खाएंगे आराम से। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। सरसों, सौंफ और हरी मिर्ची, अदरक लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया था, कड़ी पत्ता, प्याज कटी हुई। अगर आपके बच्चों को कड़ी पत्ता पसंद नहीं है तो मत डालिए। अब हम प्याज को थोड़ा गोल्डन होने तक भूंजेंगे, ज़्यादा नहीं हमें इसे भूंजना है। उसके बाद हम जो मैश करके आलू रखे थे वो डाल देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। अब हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बनाएं अगर तो मिर्ची ज़्यादा ना डालें। अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे और इसे 10 मिनट तक अच्छे से मिला देंगे, जिससे ये अच्छे से सूख जाए। इसका पूरा पानी आलू का सूखा हमें बनाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, अब हम आटा गूंथ लेंगे। ये रोटी बनाने वाला आटा है, इसमें हम नमक डाल देंगे, जीरा और 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे मिला देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा गूंथ लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। बिल्कुल जैसा हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं वैसा ही बनाना है हमें। इस नाश्ता को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे दोबारा से मसल लेंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके इसकी लोई काट लेंगे। अच्छे से मसलने से आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जो हम नाश्ता बना रहे हैं बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हम एक लोई लेंगे और इसकी पूरी बेल लेंगे।
सूखा आटा लगा करके। इसके बाद इसकी पट्टी काट लेंगे, जिस आकार में आपको पसंद हो वैसे काट लें। अब हम इसमें 1 चम्मच आलू भर देंगे और इसे मोड़ करके दबा देंगे। क्योंकि ये आटा है इसलिए ये नहीं खोलता है। ऐसे ही हम और भर कर रख लेंगे। एक साइड तेल गरम होने के लिए भी रख देंगे। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब बना करके रख लिए, अब इन्हें हम तल लेंगे तेल में। जब नीचे से सिक जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। हमारा कितना अच्छा नाश्ता बन गया, क्रिस्पी बिल्कुल कुरकुरा। इस नाश्ता को आप टमाटर की चटनी या सॉस किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप ऐसे ही खाइए, क्योंकि ये आलू मसाला है, इसमें बहुत अच्छा मसाला भरा है, बहुत क्रिस्पी भी बनता है। ऐसा नाश्ता एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय कीजिए।